इंडिगो एयरलाइंस के विमान की उड़ान में देरी होने पर एक यात्री ने पायलट के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद आरोपी यात्री ने पायलट को फ्लाइट में ही मुक्का जड़ दिया। इस दौरान अन्य यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट की उड़ान में देरी होने पर विमान के कैप्टन इस संबंध में अनाउंस कर रहे थे, लेकिन इस दौरान फ्लाइट लेट होने का अनाउंसमेंट सुनते ही एक यात्री गुस्से से लाल हो गया। इसके बाद फ्लाइट में दौड़ता हुआ पायलट के पास पहुंचा और पायलट को तेजी से मुक्का मार दिया। इस दौरान वहां मौजूद एयर होस्टेस ने पायलट को किसी तरह बचाया। वहीं आरोपी ने कहा कि विमान चलाना है तो चला, नहीं चलाना है तो मत चला, खोल गेट। जिस पर एयर होस्टेस ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं इस दौरान किसी यात्री ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे देख लोग आरोपी यात्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताते चलें, यह फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी। बताया जा रहा है कि उड़ान को लेकर समय से अनाउंसमेंट ना होने पर यात्री नाराज था। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि विमान की उड़ान 13 घंटे से अधिक लेट हुई, जिससे यात्री नाराज थे। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं, आप ऐसे क्या नहीं कर सकते, हम पागल हैं यहाँ पे बैठे हुए।